सो हे गाइस, डीजी है। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन माइनक्राफ्ट में भी ग्रैनी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहा था, उसने मेरे सिर पे बल्ला बजा दिया, तो उसने मेरे को इस वाले रूम में बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी गेम स्टार्ट करता हूँ, पर मैं ईजी में खेलने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी अभी नॉर्मल है। वेट गाइस, मुझे हार्ड में नहीं खेलना और मुझे एक्सट्रीम में भी नहीं खेलना। ओके, तो अब ये इजी हो गया, तो अब हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। और इन्हें नहीं पता मैं ग्रैनी खेल के आया हूँ असली वाला। ओके, तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर ग्रैनी कैसा होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रॉअर है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वेट, यहाँ पे वायर कटर रखा है। ओके, तो इसे लेके सीधा चलता हूँ मैं और इस वाले रूम में घुस जाता हूँ, क्योंकि ग्रैनी ना नीचे स्पॉन होती है। और इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है, इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है, और यहाँ वाले चेस्ट में, इनमें भी कुछ नहीं है। और गाइस, यहाँ पे मुझे मास्टर की मिल गई शुरुआत में। अरे, माइनक्राफ्ट के अंदर मैं बहुत सारा सामान उठा सकता हूँ एक साथ। ओके, तो यहाँ पे एक और ड्रॉअर है, तो इसमें चेक करता हूँ जल्दी से क्या है। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है खास। और यहाँ पे लाके मुझे स्क्रू ड्राइवर लगाना है, इसे हम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे ओके, तो मेरे पास वायर कटर है, जल्दी से इसे काटते हैं और यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं। मुझे ना इन बटन का यूज़ करके जाना पड़ रहा है, पर ग्रैनी में सीधा क्राउच करो और जाओ। ओके, तो अभी ना मैं ग्रैनी के जहाँ वो वेल होता है ना, उस वाली साइड पे आ चुका हूँ और सामने ये वो वेल भी है। ओके, तो यहाँ पे एक रस्सी भी लटक रही है, इसे खींचते हैं। वेट गाइस, मैंने रस्सी निकाल दी, मुझे लगा जो भी सामान अंदर है वो बाहर आएगा। और इस चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये डोर भी अनलॉक नहीं हो रहा। यहाँ से हम देख सकते हैं ग्रैनी कहाँ है। वेट, क्या हम ये वाले डोर को एक्सेस कर सकते हैं? और गाइस, ग्रैनी में हम इस डोर को एक्सेस नहीं कर सकते, पर माइनक्राफ्ट वाले ग्रैनी में कर सकते हैं। तो मैं ना सीधा यहाँ से वापस चलता हूँ, कहीं ग्रैनी आके मेरे को ठोक दे यहाँ पे। ओके, तो जल्दी से यहाँ से इस बटन को दबाते हैं और चलते हैं सीधा। और अभी यहाँ से सीधा ऊपर की ओर चलूँगा मैं। और वेट, यहाँ पे ग्रैनी भी है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चेस्ट है। मैं ईजी में खेल रहा हूँ तो ग्रैनी ना थोड़ी सी स्लो होगी, तो जल्दी से हम देख सकते हैं। और वेट गाइस, ग्रैनी आ गई और ये ऊपर वाले चेस्ट नहीं खुल रहे। जल्दी 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 मुझे भागना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैनी आके मेरे को मार देगी। पर पता नहीं गाइस, माइनक्राफ्ट में ग्रैनी मार भी पाएगी मुझे कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे फ्रिज में देखते हैं। और गाइस, यहाँ पे मुझे पैडलॉक की भी मिल चुकी है। अभी मुझे कोड चाहिए और हैमर चाहिए और कुछ पता नहीं गाइस, देखते हैं अभी। और यहाँ पे मुझे पैडलॉक कोड भी मिल चुका है। वेट गाइस, यहाँ पे वायर कटर से मैं ग्रैनी को ठोक सकता हूँ क्या? मुझे लगता है मैं तो ग्रैनी को नहीं ठोक पाऊँगा, पर ग्रैनी मुझे ठोक देगी, तो मैं ना ग्रैनी के कोई मज़े नहीं लेने वाला। ओके, तो यहाँ पे इसे चेस्ट तोड़ सकता हूँ, पर मैं नहीं तोड़ने वाला। ओके, तो गाइस वो ना सामने वाले रिमोट वाले रूम में गई थी, पर इस गेम में रिमोट नहीं है। ओके, तो गाइस यहाँ से ग्रैनी उस तरफ जा रही है और ये पीछे मुड़ गई और इसने मुझे देख लिया। ओके, तो मैं ना यहाँ से अंदर घुसता हूँ और सीधा इस वाली तरफ जाके वेट करता हूँ कि ग्रैनी चली जाए यहाँ से। इस गेट को ओपन करके रखते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ग्रैनी यहाँ से जा चुकी है। और गाइस, ग्रैनी ने मुझे देख लिया। मुझे ना बेड के नीचे छुप जाना चाहिए था। ओके, अभी यहाँ से जल्दी जल्दी भागते हैं सीधा नीचे की ओर। और यहाँ पे ग्रैनी तो अभी तक नहीं आ रही और यहाँ पे पैडलॉक की भी यूज़ नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे कोड को लगाते हैं। और वेट, मुझे साइन पे कुछ लिखना नहीं है।
ओके तो यहाँ पे ग्रैनी पता नहीं कहाँ है, और वेट गाइज वहाँ ऊपर की ओर ग्रैनी है, तो मैं ना चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके तो यहाँ पे ग्रैनी पता नहीं कौन सी तरफ जा रही होगी, पर मैं ना यहाँ से सीधा निकलने वाला हूँ। और माइनक्राफ्ट की ग्रैनी कितनी ज़्यादा फनी है, मुंह खोल के रहती है एनी टाइम बेचारी। ओके तो ग्रैनी कहाँ है? वेट गाइस ग्रैनी तो अभी भी ऊपर ही घूम रही है, और मुझे भी ऊपर ही जाना है, पर ये बुढ़ी वहाँ से हट ही नहीं रही। और गाइस जिस रूम में मुझे जाना था ये ग्रैनी उसी रूम में गई है। ओके तो मैं यहाँ से घूम फिर के जाता हूँ, और यहाँ पे ना गेट को बंद कर लेता हूँ। और गाइस मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने इस गेट को ओपन करके छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं बेड के नीचे छुप जाऊँगा। ओके तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कहीं ग्रैनी ना रही हो। ओके तो वेट ये मैं कहाँ आ गया? ओके तो अब मैं बेड के नीचे हूँ, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ग्रैनी क्या कर रही है। ये जब यहाँ से नीचे जाएगी ना मैं जब करूँगा। और वेट मैं फिर से यहीं पे हो गया, मेरे को बाहर निकलना है, और यहाँ पे सीधा मैं भी ऊपर ही चलता हूँ, बेटर रहेगा। ओके तो जल्दी से चलते हैं, और वेट यहाँ पे प्लैंक ऑलरेडी लगा हुआ है तो चलते हैं। और यहाँ पे ये खाली, और ये गज यहाँ पे ग्रहणी आ चुकी है, ग्रहणी इस प्लैंक को पार नहीं कर पाएगी। वेट गाइस माइनक्राफ्ट की ग्रैनी तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और फनी भी है। ओके तो गाइस हम ना बिना वेपन के ग्रैनी में ग्रैनी को नहीं मार सकते थे, पर माइनक्राफ्ट में बिना वेपन के ग्रैनी को मार सकते हैं, और मैंने नहीं से नीचे भी गिरा दिया। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस चेस्ट से मुझे स्क्रू ड्राइवर मिला है, तो जल्दी से इसे ना चल के वहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पे ना ग्रैनी अभी ऊपर आ रही है। ओके तो यहाँ पे मैं ना सीधा चलता हूँ, थोड़ा नहीं यहीं पे वेट करते हैं क्योंकि मुझे पता है उसने मुझे देख लिया था। तो यहाँ पे ना ग्रैनी के आने का वेट करते हैं, मैं यहाँ से बाथरूम में चला जाऊँगा। ओके तो पता नहीं ग्रैनी कितनी देर में आने वाली है, और यहाँ से हम देख भी नहीं पा रहे कि ग्रैनी कहाँ पर है। मैं ना खुद ही चल के देख लेता हूँ कि ग्रैनी कहाँ पर बैठी हुई है छुपकर। ओके तो यहाँ से जल्दी से मैं निकलता हूँ यहाँ से। ओके गाइस तो यहाँ पे ये बाथरूम में थी, निकल यहाँ से ग्रैनी। वेट गाइस मैं ना इसे मार ही देता हूँ, मार मार के पंच अपना। ओके तो पता नहीं कितनी देर में मरेगी। मर जा ग्रैनी मर जा। रियल ग्रैनी तो बहुत ज़्यादा इजी है, पर ये वाला बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें कुछ गिने चुने आइटम्स ही मिल रहे हैं। ओके तो मैंने इसे वहाँ खोपचे में छोड़ के यहाँ से भाग जाता हूँ। यहाँ से इस बटन को प्रेस करके चलते हैं, और स्क्रू ड्राइवर से। ओके तो यहाँ पे हैमर, गाइस मुझे हैमर भी मिल चुका है। वेट अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो ग्रैनी भी यहीं पर होगी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम वहीं पे एंटर हुआ था और ग्रैनी ने मेरे को देख रखा था। ओके तो यहाँ से ना मैं पूरा घूम के जाने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पे ग्रैनी तो कहीं पे भी नहीं दिख रही मुझे। सीधा चलते हैं, और यहाँ पे प्लैंक हट गए, और पैडलॉक की पता नहीं कैसे यूज़ होगी, ये लॉक हट ही नहीं रहा। ओके तो इसे तोड़ना था तब से। ओके तो जल्दी से इस वाले डोर को ओपन करते हैं। अरे मास्टर की है तो सही मेरे पास। और गाइस ये ना अभी भी ओपन नहीं हो रहा डोर, और ग्रैनी पता। ओके तो यहाँ पे जैसी ग्रैनी ने मुझे मार दिया कुछ भी। वेट मास्टर की एक डायमंड बूट्स है। ओके तो वेट गाइस ग्रैनी सीधा नीचे से भागती भागती यहीं पे आ रही है मुझे मारने के लिए। तो मैं यहाँ से
निकल ग्रैनी भग जाते हैं, टाट अप फोड़ दूंगा तेरी गंजी। ओके तो मैंने यहाँ से बाथरूम में निकल लेता हूँ और यहाँ से जल्दी से मैं ना निकलता हूँ क्योंकि ग्रैनी ने मेरे को फिर से देख लिया। और गाइस ये गेट अभी भी ओपन नहीं हो रहा, मैंने मास्टर की को पहन भी लिया है उसके बाद भी गेट अनलॉक नहीं हो रहा, तो मैंने इसे तोड़ ही देता हूँ। और वेट यहाँ पे ना ग्रैनी भी आ ही रही है, मैं नए इस रूम में चल के देखता हूँ। अरे ये रूम तो पूरा बंद है। अरे ग्रैनी तू कूद क्यों रही है, तेरे पैर टूट जाएंगे। अबे यार इस ग्रैनी ने ना मत्था खराब कर रखा है मेरा। तो यहाँ से ना मैं नीचे की ओर चलता हूँ और ग्रहणी को भी लेके चलता हूँ, मैं यहाँ से सीधा भग लूँगा बटन के ज़रिए। और अभी यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, बस यहाँ पे ना ग्रहणी ना हो। ओके तो मैं यहाँ पे मास्टर की को निकाल लेता हूँ और जल्दी से ना इस डोर को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है। मैं तो डोर तोड़ रहा था तो मैं मरा कैसे। ओके तो यहाँ पे मेरा हंगर बार भी कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये तो गैस छुपने के लिए एरिया है, तो यहाँ से निकलते हैं। ओके तो पैडलॉक की लेते हैं सीधा और नीचे की ओर कूद जाते हैं और यहाँ पे ना गेट तोड़ता हूँ। अरे यार ये खुल भी नहीं रहा, तो जल्दी से ना मैं गेट को तोड़ ही देता हूँ और यहाँ पे जल्दी जल्दी टूट जा टूट जा टूट जा, तभी यहाँ पे हमारा एस्केप होएगा नहीं तो नहीं होगा। ओके ओके बस थोड़ा सा बच रहा है। गाइस मैं मर कैसे रहा हूँ बार बार। ओके तो यहाँ पे ना ग्रहणी ने कुछ टोटका पोटका कर रखा है जिससे मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रहा। जितना इजी मुझे लग रहा था ना माइनक्राफ्ट में ग्रैनी होगा उतना इजी नहीं है गाइस ये वाला मैप। ओके तो यहाँ पे मैं जल्दी से चलता हूँ और वेट पहले ना ग्रैनी को देख लेते हैं कहाँ पे है वो बुढ़ी। मेरे पास मास्टर की भी है, मैं फिर भी इस डोर को अनलॉक नहीं कर पा रहा, पक्का ना यहाँ मैप में कुछ ग्लिच हो गया। तो मैंने इसको तोड़ तो सकता नहीं हूँ पर फिर भी ट्राई करेंगे एक बार। और गाइज यहाँ से सामने से ग्रैनी आ रही है तो इसे भी मार देता हूँ थोड़ा सा। वैसे भी ये मरती तो है नहीं बुढ़िया सी। ओके तो मैं इसे मारता जा रहा हूँ बस। ओके तो जल्दी से ग्रैनी भाग यहाँ से। ओके बस ये ना मेरे को मार ना दे पकड़ के, चल तू यहाँ से भाग। ओके गाइस जिससे मैं थोड़ा सा दूरी रहता हूँ नहीं तो ये मेरे को मार देगी फालतू में। तो यहाँ से ना गाइस मेरा हंगर बार भी 3 हो गया है, अब मैं स्प्रिंट भी नहीं कर पा रहा। और ग्रैनी ने मेरे को देख लिया ना तो मैं ग्रैनी से भाग भी नहीं पाऊँगा। और गाइस ग्रैनी ने मुझे देख भी लिया। ओके तो गाइस ग्रैनी ने मुझे सीधा 5 हर्ट्स पे ला के छोड़ दिया, मेरे 4 हर्ट्स खा लिए इसने। ओके तो यहाँ पे ना मैं डोर को तोड़ने का ही ट्राई करता हूँ, यही आखिरी उम्मीद है। जल्दी जल्दी बस ये टूट जाए फिर हमारा एस्केप हो जाएगा। और मास्टर की कौन पहनता है। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं फिर से मर गया और मैं फिर से उठ रहा हूँ और यहाँ पे मास्टर की को भी निकाल लेते हैं। ओके तो जल्दी से चलते हैं और इसको ना फिर से खोलने का ट्राई करते हैं, इसे ना तोड़ना ही पड़ेगा पर ये खुल भी नहीं रहा। ओके तो यहाँ पे ना इसे तोड़ मैं आसपास के ब्लॉक भी तोड़ सकता हूँ पर तो वेट में फिर से मर गया। तो गाइज यहाँ पे ग्लिच हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।